लेकिन मैडम ये बताइएगा कि इमरान खान के खिलाफ जो इतराजात जमा कराए गए थे वो आज क्योंकि जांच पड़ताल भी होनी, क्या समझ रहे हैं आप कागजात में जो एलिगेशन लगाई गई थी? सर खान साहब की एप्लीकेशन में दो रिटन ऑब्जेक्शन आए थे, उनको हमने एक एक करके बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया है। ये अगर आप जानना चाहते हैं डिटेल्स तो मैं उसमें चली जाती हूँ, बट अदरवाइज वी आंसर्ड ईच एंड एवरी ऑब्जेक्शन इन डिटेल। काउंटर में उनकी कोई उनके वकील साहब जिन्होंने ऑब्जेक्ट किया था उनके पास कुछ भी नहीं था कहने को, तो आई थिंक दैट प्रीटी मच स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट उनके ऑब्जेक्शन के रिबटल में वो कुछ भी नहीं कह सके। और जो एक और दरख्वास्त थी उनकी मेजर के उसने, तो उसमें सर बुनियादी तौर पे उस पर दो ऑब्जेक्शन थे। एक था सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन को लेके कोई ड्यूज थे 36 लाख समथिंग के, उस पर हमने आरओ साहब को क्लैरिफाई कर दिया, हमने ऑर्डर बता दिया कि दिस इज़ अ डिस्प्यूटेड लाइबिलिटी और दिस इज़ अ केस पेंडिंग एडजुडिकेशन बिफोर ये डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब। ऑर्डर जो इम्प्यूंड ऑर्डर है वो सस्पेंड भी हो चुका है, तो दैट सीजेस टू एग्जिस्ट। इवन अदरवाइज नमल यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट की लाइबिलिटी कभी भी किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं होती, वो ट्रस्ट के खिलाफ होती है। तो खान साहब की वो कोई पर्सनली वो नमल को ओन नहीं करते, ही इज ओनली अ चेयरपर्सन चेयरमैन ऑफ वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो एक ये चीज़ होगी। दूसरा जो एक कैंडिडेट की तरफ से एक आया था आर्टिकल 62 को लेके एक रिटन ऑब्जेक्शन था, तो वो हमने वाजे बता दिया आर्टिकल 62 पढ़ा के जी क्वालिफिकेशन तो उनकी पूरी है। हाँ फिर आरओ साहब ने खुद कहा कि जी आर्टिकल 63(1)(h) का हवाला दे दिया, तो उसमें हम डिटेल में गए कि आर्टिकल 63(1)(h) का पर्व्यू क्या है, कि वो ऑफेंसेज जो मॉरल टर्पिट्यूड के पैरामीटर्स में आते हैं और जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, हमने वो डिस्टिंक्शन ड्रॉ की कि वो ये फिर एग्जामिन करना आरओ साहब का काम है कि वो तो हमारी नज़र में तो वो कहीं से भी नहीं आता, बिकॉज दोज आर मैटर्स दैट इन्वॉल्व एग्रीवेटेड असॉल्ट अब्यूज्ड इस किस्म के इश्यूज, तो वो हमने उनको बड़ा एट लेंथ आर्ग्यू करके वी मेड आर सबमिशंस। बोतला भाई वजीर उन्होंने भी साथ हमने मिलके हमने वो क्लियर कर दी। ओके ओके, थैंक यू।